राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीजे शेटना ने देश की सबसे बड़ी अदालत पर किया है तीखा हमला। जस्टिस शेटना ने अहमदाबाद के कार्यक्रम में क्या क्या कहा, आप भी देख लीजिए। जस्टिस बीजे शेटना ने अपने भाषण के दौरान जुडिशियल टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल कई बार किया। सबसे पहले उन्होंने याकूब मेमन की दया याचिका पर आधी रात के बाद सुनवाई किए जाने को जुडिशियल टेररिज्म बताया। बड़ी दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो टेररिस्ट था याकूब मेमन ने उसको फांसी की सजा दी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दया की अर्जी दाखिल की गई और रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने बैठ के उनकी सुनवाई की 2 घंटे तक। ये बात अलग है कि खारिज कर दी गई, लेकिन ये कैसा राइट है? कोई आम आदमी को यह न्याय मिलता है? कभी नहीं। ये जुडिशियल टेररिज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी एक दायरे में लाने की जरूरत है। उन्होंने अदालतों में जजों की कमी के लिए भी इसी कथित जुडिशियल टेररिज्म को दोष दिया। ये जुडिशियल टेररिज्म की वजह से हम आम जनता पीड़ित है। 2 साल पहले जो 40% वैकेंसी थी वो 2 साल में 60% हाईकोर्ट जजेस में वैकेंसी हो गई। इतने पर भी मन नहीं भरा तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवादी ही नहीं फैलाते बल्कि न्यायिक आतंकवाद भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ टेररिज्म ये टेररिस्ट नहीं करते हैं। मैंने आज भी हमारे मित्रों के साथ बैठे बैठे बात करता था तो जुडिशियल टेररिज्म भी है। जस्टिस शेटना ने ये बातें पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी और आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार की मौजूदगी में कही। कार्यक्रम का आयोजन एक ऐसी संस्था ने किया था जिसके महामंत्री सोहराबुद्दीन और इशरत केस में आरोपी रहे डीजी वंजारा हैं।